काशी विश्वनाथ मंदिर दशाश्वमेध घाट से कुछ दूरी पर गुडोलिया लक्षा मार्ग पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ वाराणसी का सबसे अधिक व्यस्त एवं प्रसिद्ध मंदिर है। वर्तमान मंदिर का निर्माण सन 1780 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। 1853 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान किए गए 1000 किलो सोने से इसके गुम्बदों को अलंकृत किया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव राजा हरिश्चंद्र द्वारा हजारों वर्ष पूर्व रखी गई थी। इसे कई बार ध्वस्त किया गया, लेकिन समय समय पर कई राजाओं ने इसके पौराणिक महत्व के कारण इसका पुनर्निर्माण करवाया। आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद एवं गोस्वामी तुलसीदास जैसे महापुरुष भी इस मंदिर में दर्शनों के लिए आए थे। नया विश्वनाथ मंदिर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है वाराणसी का नया विश्वनाथ मंदिर। मार्च 1931 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 30 सालों में जाकर ये मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप में बनकर तैयार हो पाया। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ही एक प्रतिरूप है। इसके अलावा दुर्गा कुंड मंदिर, बाबा काल भैरव मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, मार्कंडेय महादेव मंदिर, मां अन्नपूर्णा, भारत माता मंदिर भी दर्शनार्थियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। बनारस की सुबह की कुछ अलग ही बात है, जहां से देखो वहां से खूबसूरत लग रहा था ये बनारस। एक बार एक प्रभु जी ने हमसे बोला था कि बेटा हर जगह की एक न एक वाइब्रेशन होती है। वाराणसी अपने घाटों में मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक यहाँ बनारस की सुबह और नाव की सवारी करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन ये मात्र इस शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि गंगा के विकराल रूप से स्वयं को बचाने के लिए इन्हें बांध के रूप में विकसित किया गया था। संपूर्ण भारत के अलग अलग प्रांतों के राजाओं ने समय समय पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए यहाँ पर घाटों के साथ ही अनेक मंदिरों का भी निर्माण कराया। बनारस के घाट शिक्षा एवं व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। सूर्योदय के समय यहाँ पर वेद, पुराण, उपनिषद एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए गुरुकुल की पाठशालाएं लगा करती थी। दोपहर से लेकर शाम तक यही घाट स्थानीय एवं गंगा नदी में यात्रा करते हुए सुदूर प्रांतों से आने वाले व्यापारियों के लिए मलमल, रेशमी कपड़े, चंदन, इत्र, हाथी दांत एवं शिल्प कला के क्रय विक्रय का प्रमुख केंद्र बन जाते थे।